दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कम बोलने वाले लोगों में कौन कौन सी क्वालिटीज पाई जाती हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जो इन्हें समझदार और दूसरे लोगों से अलग बनाती हैं। अगर आप भी अपनी डेली लाइफ में कम से कम बोलते हैं और आप यह सोचते हैं कि मैं कम बोलता हूँ, यह मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है, लेकिन दोस्तों यह आपकी कमजोरी नहीं बल्कि एक खूबी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कम बोलने वाले लोगों की ऐसी 8 क्वालिटीज के बारे में हम आपको बताएंगे जिससे आप खुद को रिलेट कर पाएंगे कि आप एक समझदार और एक मैच्योर पर्सन हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं। क्वालिटी नंबर 1, पॉजिटिव पर्सनालिटी। दोस्तों, कम बोलने वाले लोग अकेले रहने से कभी नहीं डरते हैं और उनकी पर्सनालिटी में एक पॉजिटिव मैच्योरिटी रहती है। कम बोलने वाले लोग ज्यादा किसी से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। यह लोग अपने काम से काम तक ही मतलब रखते हैं, जिसके कारण इनका जितना भी टाइम होता है वह खुद के लिए होता है। ये लोग ज्यादा से ज्यादा खुद को वक्त देते हैं। कम बोलने वाले लोग दूसरों को जानने से ज्यादा खुद को पहचानने में विश्वास रखते हैं और इसी की वजह से इनकी पहचान औरों से अलग होती है और इनका दिमाग भी दूसरों लोगों से कहीं ज्यादा चलता है और इनके सफल होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये लोग अपनी एनर्जी और टाइम को फालतू चीजें में वेस्ट नहीं करते हैं बल्कि अपने टाइम और एनर्जी को अपने काम के ऊपर खर्च करते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि कम बोलने वाले लोग अपने कीमती वक्त को अपने साथ ही बिताते हैं और अपने अकेलेपन को बदल देते हैं सॉल्यूशन में, यानी कि अकेले रहकर जीवन जीने की कला, अकेले रहकर मजबूत बनने की कला, जिसकी वजह से इन्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती है कि कोई इनका साथ देगा या नहीं देगा, और यही बात इन्हें औरों से अलग बनाती है। क्वालिटी नंबर 2, मेंटेन सेल्फ रिस्पेक्ट। दोस्तों, कम बोलने वाले लोग कभी किसी से बहस नहीं करते हैं और इससे इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रहती है। दोस्तों, हमें कोई हल्के में लेना कब शुरू करता है? जब हम लोगों के सामने बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते रहते हैं जिनका कोई खास मतलब नहीं होता है, और जब हम ऐसी बातें करते हैं तो सामने वाला हमें हल्के में लेना शुरू कर देता है। उसकी नजरों में हमारी बातों की कोई वैल्यू नहीं होती है। उसे ऐसा लगता है कि आप ऐसे ही बिना बात के कुछ भी बोलते रहते हैं, जिसकी वजह से सामने वाला पर्सन आपकी बातों को ना ही ध्यान से सुनता है और ना ही समझने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, जो लोग कम बोलते हैं वह कभी भी किसी से बहस नहीं करते हैं, इसीलिए इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रहती है। यह लोग बहुत ही कम और सोच समझकर ही बोलते हैं, इसीलिए लोग इनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उनकी बातों को रिस्पेक्ट भी देते हैं। दोस्तों, कम बोलने वाले लोग कभी भी सामने वाले को ऐसा कोई भी मौका नहीं देते हैं जिससे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आंच आए। क्वालिटी नंबर 3, मोर ट्रस्टेबल। दोस्तों, कम बोलने वाले लोग ज्यादा ट्रस्टेबल होते हैं। दोस्तों, कोई राज तब तक ही राज रहता है जब तक वह हमारे दिल में रहता है या जब तक हम उसे अपने तक ही सीमित रखते हैं, और कम बोलने वाले लोगों की प्राइवेसी बहुत होती है। इनके मन में क्या चल रहा है यह जान पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कम बोलने वाले लोग अपने राज को जल्दी किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं और इसीलिए यह लोग कभी भी कोई ऐसी बात नहीं बोलते हैं जिसकी वजह से इनकी प्राइवेसी लूज हो और उनका कोई गलत फायदा उठाए। कम बोलने वाले लोग ऐसी कोई भी बात नहीं बोलते हैं जिससे कि उनको बाद में पछताना पड़े, और यही क्वालिटी इन्हें ज्यादा ट्रस्टेबल बनाती है। क्वालिटी नंबर 4, मोर पेशेंस। दोस्तों, जो लोग कम बोलते हैं उनमें दूसरे लोगों से कहीं ज्यादा पेशेंस होता है। यह लोग अपने काम को बहुत ही बुद्धिमानी से करते हैं। कम बोलने वाले लोग अपने किसी भी काम का ढिंढोरा ना पीटकर उसे गोपनीय तरीके से करते हैं, जिससे इनके कामयाब होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। क्वालिटी नंबर 5, कम बोलना। दोस्तों, कम बोलने वाले लोग ज्यादा समझदार होते हैं, क्योंकि जब आप शांत होकर सामने वाले की बात को ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं तो सामने वाले को भी अपनी बात रखने का मौका मिलता है। दोस्तों, इस दुनिया में लोग सुनना कम बोलना ज्यादा पसंद करते हैं,
जिसके कारण लोग एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हैं। वहीं जब आप सामने वाले की बात को ध्यान से सुनते हैं और सोच समझकर जवाब देते हैं, तो सामने वाले इंसान को यह लगता है कि आप उसकी बातों को वैल्यू दे रहे हैं और आप एक समझदार इंसान हैं। क्वालिटी नंबर 6, मोर सेंसिबल। दोस्तों, कम बोलने वाले लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि कम बोलने वाले लोग एक बार में ही अपनी बात को कहना जानते हैं। ये लोग अपनी बात को कहने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। कम बोलने वाले लोग बहुत ही आसान तरीके से कम शब्दों में अपनी बात को सामने वाले को समझा देते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपनी किसी भी बात को सामने वाले इंसान को समझाना है, तो कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आप जितने कम शब्दों का इस्तेमाल करके सामने वाले को अपनी बात समझाओगे, तो सामने वाला भी उतने ही ध्यान से आपकी बात को सुनेगा और आपकी बात को वैल्यू भी करेगा। क्वालिटी नंबर 7, डिसीजन पावर। दोस्तों, कम बोलने वाले लोगों की डिसीजन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि जो इंसान हमेशा बोलता रहता है, जो ना किसी की सुनता है और ना ही चुप रहता है, ऐसे लोग किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकाल पाते हैं और ना ही राइट डिसीजन ले पाते हैं। इसलिए जब भी आप किसी प्रॉब्लम को फेस करें, तो हमेशा आप खुद को शांत रखें, क्योंकि जब हम शांत रहते हैं तो हमारा दिमाग प्रॉब्लम के सलूशन पर फोकस कर पाता है, जिससे हमें विपरीत परिस्थिति में भी सही डिसीजन लेने में मदद मिलती है। क्वालिटी नंबर 8, पीसफुल नेचर। दोस्तों, कम बोलने वाले लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, जिसकी वजह से इनके दुश्मन ना के बराबर होते हैं, क्योंकि ये लोग बिना बात के किसी के साथ बहस नहीं करते हैं। वह पहले यह देखते हैं कि सामने वाला जिस बात को लेकर बहस कर रहा है, यह बात उनके लिए कितनी मायने रखती है, क्योंकि इस दुनिया में इतना नुकसान कम बोलने से नहीं होता है, जितना नुकसान ज्यादा बोलने से हो जाता है। क्योंकि अगर आपके मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया, तो सामने वाले से आपकी बहस हो सकती है और आपका रिलेशन भी टूट सकता है। दोस्तों, हमारे कहने का मतलब यह है कि आप जितना कम बोलोगे, उतना ही कम हर्ट आप दूसरों को करोगे और आप खुद भी हर्ट नहीं होंगे। इसलिए हमें कम से कम बोलना चाहिए और ऐसा बोलना चाहिए जिसका कोई मतलब हो। तो दोस्तों, अगर आप भी कम बोलते हैं, तो ये 8 खूबियां आपके अंदर हैं, जो आपको दूसरे लोगों से अलग बनाती हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया हो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।